खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक ने बीएमपी सराय इंडस कॉलोनी और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का दौरा किया। तामीराती काम का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की। तफसीलात के मुताबिक बीएमपी सराय डेरा गाजी खान को जदीद तर्ज पर बहाल किया जाने लगा। लॉन्स पाथवे और फंक्शन के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने असराम के हमराह तामीराती काम का जायजा लिया और क्वालिटी वर्क पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार मनसूबा का इफ्तिताह करेंगे, इसलिए तैयारियों को जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इमारत के लिए ज़रूरी फर्नीचर खरीद लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने इंडस कॉलोनी का भी दौरा किया। चार दीवारी रब्ता सड़कों, पानी की निकासी और दीगर तामीराती काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि चार दीवारी का बकिया हिस्सा भी तामीर करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर गैर तरतीब से लगी रंग बिरंग टफ टाइल उतार कर दोबारा तरतीब से लगाने और इमारती मलबा फौरी उठाने के अहकाम जारी की। उन्होंने खाली प्लाट पर पार्क और ग्राउंड बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दाखिल गेट के तंसीब और दीगर काम को जल्द मुकम्मल किया जाए, झाड़ियों को तलफ करके जमीन हमवार की जाए। डिप्टी कमिश्नर ने एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस का भी दौरा किया। डायरेक्टर एक्साइज इमरान असलम, एटीओ मुनव्वर हुसैन रन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने दफ्तर के बाहर खड़े बारिश के पानी की निकासी के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने दफ्तर में नए तामीराती ब्लॉक की मौजूदा जगहों का भी मुआयना किया। हुकूमत की हिदायत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस में प्रॉपर्टी और मोटर रजिस्ट्रेशन के अमूर के लिए अलग इमारतें मखसूस की जाएंगी। ऑनलाइन निज़ाम के तहत शहरियों को सहूलियात मैसर आएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने जदीद तर्ज पर जाजिब नज़र और हवादार इमारत तामीर करने की मंजूरी दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस और प्लानिंग के अब्दुल गफ्फार, डिप्टी डायरेक्टर वसीम अख्तर जतोई, एक्सिन हुमायूं मसरूर, उमर लतीफ़ और दीगर अफसरान भी हमराह थे।